नो दोस्तों, ओसीएम समझने में जितना आसान लिखने में उतना ही मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों को जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको स्कोर दिलाने वाला है, सिर्फ उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी, तो कीजिए, पहले दिन से कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, टाइम है। आप और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए भी है, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, 80 में से 74 to 78 मार्क्स इन्हीं 4 चैप्टर में से आते हैं। अब हम सारथी बैच में और रेगुलर बैच में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आज हमने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2024 के लिए भी। जरा लेक्चर देखिए, और ये कुछ बेसिक लेक्चर में डेमो लेक्चर की तरह अपलोड कर रहा हूँ, ये भी मैंने कर दिया है। देखिए और आप पढ़िए, इतना मेहनत लीजिए, 1 घंटा दिया हमने उस क्वेश्चन को, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। लेकिन उसके बाद मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कोई बता दे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया उस क्वेश्चन, या मैं लिख नहीं पाता। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर, हेडर्स तो हो जाते हैं, अंदर का कंटेंट हमें लिखते नहीं आता। भाई कैसे आएगा अगर आप समझ के नहीं करोगे तो? दोस्तों पढ़ाई बहुत सिंपल है, आप समझ लो तो। सिर्फ आप छोटे छोटे मिस्टेक करोगे तो उसका खामियाजा तो बड़ा भुगतना ही पड़ेगा, है ना। आप समझिए, मैं आपको कह रहा हूं अभी भी वक्त है। आप बहुत बाद में वो लेक्चर्स देखोगे, और ओसीएम का जो फियर है वो दूर करने का एक ही तरीका है कि आप उसे समझिए, टाइम दीजिए और लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, या फिर अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, इस पॉइंट में मुझे ये बातें लिखना है। जैसे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमने एक 13 पॉइंट है, 13 के 13 पॉइंट, जिन बच्चों ने कंप्लीट वो लेक्चर देखा उन्हें समझेगा। आप भी देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा देखिए। चलो आज का टारगेट देता हूँ, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छे से करना। ओसीएम चैप्टर 1 पे आपने टेस्ट दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ नहीं भेज पाया मैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन जरूर हो जाना, लेकिन टेलीग्राम में मैंने पेपर शेयर कर दिया था चैप्टर 1। आपको आज का टारगेट देता हूँ, अभी मार्केटिंग मिक्स का मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो कीजिए। आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कीजिए लेक्चर देख के, और समझते देखते हैं ना कि आप लोग कितना सही ढंग से चीजों को कर पाते हो। दोस्तों अब पीछे हटना नहीं है, हो जाएगा आराम से। आप पढ़ो और दिल लगा के करो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।